हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के यूजेस। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि आपने भी रिसेंटली नोटिस किया होगा कि हमारे चैनल पर एक दो नए टीचर्स के भी वीडियो अपलोड हुए हैं, दुरानी सर, सुजैन मैम के। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दुरानी सर हैं, सुजैन मैम हैं, ये हमारा जो नया बैच आ रहा है एप्लीकेशन पे जिसे हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ये उसकी टीम में है। तो जो हमारा नया बैच है असेक फाउंडेशन, ये कंप्लीट इंग्लिश एक बैच है जिसमें ग्रामर, प्रोनंसिएशन, पंक्चुएशन, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, सफिक्सेस, अफिक्सेस, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस सारे डिस्कस होंगे। तो आई नीडेड अ टीम देयर टू सपोर्ट मी। तो दुरानी सर हैं या सुजैन मैम है, ऑनलाइन में ये पहले बार पढ़ा रहे हैं, हालांकि दे आर प्रॉपर टीचर्स, वो टीचर्स हैं, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, और रिसेंटली भी एक्टिव हैं टीचिंग में। बट कैमरे के सामने पढ़ाना या ऑनलाइन में पढ़ाना बच्चों को, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से, वो उसके लिए भी यूज्ड टू नहीं है। तो अगर ऐसा आपको कुछ लगता है कि उनके एक्सप्रेशन में या वो भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से कैमरे के साथ में, तो इट विल बी ओवर सून, जल्दी ठीक हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पिटेंट टीचर्स एंड दे हैव गॉट ह्यूज नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट की उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, एंड द बेस्ट थिंग दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं, मतलब जैसा एक टीचर को होना चाहिए, कंटेंट जैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर जैसा होना चाहिए, दे हैव गॉट इट, ठीक है, वो है उनमें। तो खैर, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई कि जो भी वो नए टीचर्स के वीडियोस आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे असेक फाउंडेशन बैच की टीम है, मतलब मैं भी हूँ उस टीम में और दुरानी सर और सुजन मैम भी है मुझे हेल्प करने के लिए, ठीक है। वो हमारा लाइव बैच है, मुझे लग रहा है कि एक दो बच्चों ने जिसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया, उन्होंने शायद ये सोच के एडमिशन ले लिया कि जैसे हम एडमिशन लेंगे तो तुरंत हमें उसमें कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, वो लाइव बैच है, उसमें हर एक चीज आपको ना लाइव ही पढ़ाई जाएगी, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। अभी तक क्या होता था, जो हमारे इनकम बैचेस होते थे उनमें हम फंडामेंटल के वीडियोस अपलोडेड दे देते थे, क्योंकि हमने वो पहले रिकॉर्ड किए थे, आज से 1-1.5 साल पहले, वो हम रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से अवेल करवा देते थे एट द टाइम व्हेन समवन गेट्स एडमिशन, जब भी कोई एडमिशन लेता था तो हम उसको अवेल करवा देते थे। बट ये जो हमारा असेक फाउंडेशन है ना, इसका पूरा कोर्स, इसके सारे असाइनमेंट्स बिल्कुल फ्रेश और नए होंगे, ठीक है, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हर एक लाइव लेक्चर्स के थ्रू ही नया कोर्स मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में ये जो हम डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे असेक फाउंडेशन, हमने एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनाई है, उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं वो असेक फाउंडेशन बैच के डेमो वीडियोस हैं, जो हम आपको पहले से डेमोज दे रहे हैं, ठीक है। आज के जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर, ये भी एक तरीके से डेमो वीडियो ही है असेक फाउंडेशन के लिए। तो असेक फाउंडेशन ऐप में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अच्छी बात है, आप धीरज रखें, उसकी क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है, उसमें आपको कुछ भी पुराना कंटेंट, कुछ भी पुराने वीडियोस ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट अपडेटेड बैच है हमारा असेक फाउंडेशन, ठीक है, तो उसमें जो फंडामेंटल्स हैं जो अभी तक मैं आपको रिकॉर्डेड देता था, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा फ्रॉम दिस स्क्रेच, बिल्कुल नए तरीके से फिर से उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक दो बच्चों की मुझे लगता है शिकायत थी ऐसे कि उनमें कुछ मिला नहीं, ये ऐसा, तो आपको मैं बता देता हूँ, वो बैच स्टार्ट हो गया, उसमें मैं आपको क्या अवेल करवा दूंगा, अभी जब तक हमारे लाइव लेक्चर स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, ये जो हम डेमो वीडियोस ले रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे असेक फाउंडेशन प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ये वीडियोज आपको उस असेक फाउंडेशन ऐप जो बैच है उसमें आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वो लाइव बैच है, उसको समझिए, लाइव बैचेस आपके लाइव क्लासेस चलेंगी 5 to 6 PM मंडे टू फ्राइडे, और वो जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड भी फिर वहां पे उसके बाद में अवेलेबल रहेंगे, लाइव लेक्चर हो जाने के बाद फिर वहां पे अवेलेबल रहेंगे और आपको 3 टाइम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। खैर, ये बातें हो गई, अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना चैप्टर। देखिए, मैं आज आपको पढ़ाने आया हूं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट और कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, और अदरवाइज आप जनरल अपना डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इसकी यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, कंपेटिवली हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट उनके मुकाबले थोड़ा सा आसान चैप्टर होता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी इसमें भी काफी कुछ ट्रिकी, मतलब ट्रिकी सिचुएशंस पॉसिबल हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, मैंने व्हेन यू हैव टू थिंक, जब आपको सोचना पड़ता है, मतलब याद करने से काम नहीं चलता, यू हैव टू यूज योर माइंड। ठीक है, फिलहाल में हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के इजी क्वेश्चन से। तो देखिए, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक दो बातें मैं आपको बेसिकली पहले बता देता हूँ, वो समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यू नो सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, एवरीवन नोज इट। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब इज अ वर्ड विच रेफर्स टू द एक्शन विच इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। वर्ब हम कहते हैं किसी ऐसे वर्ड को जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे, वेदर द एक्टिविटी हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट और हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया कोई भी सेंटेंस का ऐसा वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जनरली वो कोई नाउन प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन का इक्विवेलेंट हो, ठीक है, जो समथिंग या समवन का रेफरेंस हो, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में वर्ब आपको पता ही है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स भी इंक्लूडेड होती हैं, और कंकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम किस बेसिस पे करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ। होता क्या है कि सब्जेक्ट यूजली नाउन या प्रोनाउन होते हैं, भाई सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो नाउन्स प्रोनाउन्स में क्या होता है, इनमें नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लुरल, पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जेंडर होते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, और केसेस होते हैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव जेनिटिव। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन में। अच्छा, वर्ब जो अपनी होती है उनमें देखिए क्या होता है, वर्ब्स में फीचर्स क्या होते हैं, वर्ब्स में नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, स्टेट ऑफ द एक्शन होता है, मोड होता है। तो यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि अब वर्ब हैज गॉट सम एट्रीब्यूट्स, वर्ब में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब्जेक्ट में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होता है तो उसमें नंबर होते हैं सिंगुलर प्लुरल, ठीक है, उसमें केसेस होते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसको हम सेंटेंस में जब सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, सेकेंड पर्सन लिसनर हो गया, थर्ड पर्सन एनी वन टॉक्ड अबाउट हो गया। ठीक है, जेंडर्स भी होते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो उनका एक एट्रीब्यूट जेंडर भी होता है कि नाउन्स और प्रोनाउन्स जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर के हो सकते हैं, फेमिनिन जेंडर के हो सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर के हो सकते हैं, कॉमन जेंडर के हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स में भी नंबर होता है, नंबर एट्रीब्यूट वर्ब्स का भी होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट का भी होता है, सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब ऐसे होता है। हालांकि जो फर्स्ट पर्सन की वर्ब्स होते हैं उनमें पर्सन भी होता है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में वर्ब्स जो होती हैं उनका एक एट्रीब्यूट होता है स्टेट। जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म की या सेकेंड फॉर्म की वर्ब्स होती हैं वो इंडेफिनिट स्टेट की वर्ब्स होती हैं, दे एक्सप्रेस द इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन। अच्छा, आईएनजी फॉर्म की वर्ब्स जो होती हैं दे एक्सप्रेस द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ द एक्शन, एंड थर्ड फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं दे एक्सप्रेस द परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन। तो वर्ब्स का एक एट्रीब्यूट स्टेट भी होता है और मूड भी होता है। ठीक है, कोई वर्ब इंपेरेटिव मूड की है, कोई सब्जंक्टिव मूड की है, कोई पास्ट सब्जंक्टिव मूड की है, कोई आपके इंडिकेटिव मूड की है। तो जो वर्ब्स होती हैं उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, नंबर पर्सन स्टेट मूड। नाउन में अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाउन का मतलब आप सब्जेक्ट माने, यहाँ पे नाउन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं नंबर पर्सन जेंडर केस। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी वर्ब नाउन को या किसी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उस सब्जेक्ट के लिए हमें कोई ना कोई वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। तो वो जो नाउन है हमारा जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या वो सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब यूज की जा रही है, दे मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, कि अगर हम सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे दैट वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन, वो उस वर्ब को नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग नाउन के होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसी को हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब इसी यही सीखने के लिए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया जाता है कि यू मस्ट यूज अ वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, जेंडर से और केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नाउन प्रोनाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब्स नहीं यूज होती हैं, बिकॉज वर्ब्स डोंट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ जेंडर, तो वो उनके साथ एग्री भी नहीं कर सकती। ठीक
ठीक है। अच्छा, केसेस में क्या होता है कि जब भी हम किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही होता है, ठीक है। तो केसेस के अकॉर्डिंग भी वर्ब कभी एग्री नहीं करती, क्योंकि वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बाकी जो केसेस होते हैं नाउन से प्रोनाउंस के, जैसे अपोजिटिव केस हो गया, वकेटिव केस हो गया, आपका जेनेटिव केस हो गया, तो वर्ब्स उनके साथ एग्री नहीं करती, ठीक है। अच्छा, वर्ब की जो स्टेट होती है, जो वर्ब का मूड होता है, वो स्टेट और मूड जो एट्रीब्यूट होते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस में नहीं होते, ठीक है। तो हम स्टेट और मूड के बेसिस पर नाउन्स सब्जेक्ट को और वर्ब को एग्री नहीं करा सकते। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर हमें उसके लिए वर्ब भी यूज करनी पड़ती है। तो अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट विच इज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन नंबर एंड पर्सन, ठीक है। इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन में एट्रीब्यूट्स कुछ और भी होते हैं, जेंडर होता है, केसेस होता है, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स वर्ब के नहीं होते। वर्ब में कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टेट होता है, मूड होता है, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स नाउन और प्रोनाउन में नहीं होते। तो इनके बेसिस पर हम सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री नहीं करा सकते, बिकॉज ये उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब होता है अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, ठीक है। अच्छा, नंबर पर्सन के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे। नंबर एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, हालांकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में दो ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लुरल, मतलब एक वचन बहुवचन। पर्सन जो होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होता क्या। नंबर हमें पता है, पर्सन हमें पता है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन हो गया आई वी सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन यू हो गया लिसनर, थर्ड पर्सन हो गया कोई भी, आई वी यू को छोड़कर जो भी हैं, जो नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट दे जो प्रोनाउन होते हैं वो भी थर्ड पर्सन होते हैं। कुल मिला के बात ये कि आई वी जो स्पीकर के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन है, यू जो लिसनर के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है, उनको छोड़कर बाकी सारे थर्ड पर्सन के ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ब्स की जो सिंगुलर प्लुरल फॉर्म्स होती हैं उनको देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने वर्ब लिखी गो और हमने वर्ब लिखी गोज, ठीक है। तो हम देखिए, हम अब आम बोलचाल की भाषा में या अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये कह देते हैं कि ये प्लुरल वर्ब है, मतलब ये प्लुरल फॉर्म की वर्ब है। अब देखिए, अभी तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप जैसे थोड़ा सा पुराना इंग्लिश पढ़ेंगे, शेक्सपियर के टाइम का या उस समय के टाइम की इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो वहां पे वर्ब की फॉर्म्स काफी ज्यादा होती थी, जो आज हम पढ़ते हैं ना उससे ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। हैजंट, मतलब इस तरीके से हुआ करती थी। आज जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो और गोज हो गया, ठीक है, ये हमारी, और ये जो फॉर्म्स हैं इनमें क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, ये वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है फिर हम इसको कंपेटिबल प्लुरल कह देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ब सिंगुलर ही होती है, प्लुरल होती नहीं, लेकिन जो सिंगुलर को छोड़ के बच जाते हैं उन्हें प्लुरल ही कह देते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो जो गोज है ना, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ध्यान देना सिंगुलर इसका नंबर है और ये फर्स्ट पर्सन की वर्ब है। तो ये जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट पर्सन, इनमें पर्सन भी होता है, नंबर भी होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्लुरल वर्ब होती है ये बाकी सारे पर्सन के लिए यूज होती है, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को छोड़ दें, ठीक है, एक मिनट में क्या कह रहा हूं, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म की वर्ब होती है। तो थर्ड इसका पर्सन हो गया और सिंगुलर इसका नंबर हो गया, तो इस वर्ब का एट्रीब्यूट है नंबर और पर्सन। नंबर हो गया सिंगुलर, अब पर्सन हो गया थर्ड, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी फर्स्ट या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, ठीक है, तो उनके लिए वर्ब की ये फॉर्म यूज होती है। मैं इसको बेस फॉर्म कहता हूँ, जनरली लोग इसको प्लुरल फॉर्म कह देते हैं, आप प्लुरल फॉर्म कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाकी इसको बेस फॉर्म कहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं जो आपसे चाहता हूँ वो आप ये सीखें कि ये जो गो है इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाइल गोज इज द सिंगुलर फॉर्म फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। गोज जो है वो थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म है, तो मतलब इसको हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और जो गो है वो बेस फॉर्म है, वो बाकी सबके साथ यूज होगी। बाकी सबके साथ का मतलब ये हो गया कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ तो गोज आ गया, लेकिन फिर जो थर्ड पर्सन के प्लुरल सब्जेक्ट है उनके साथ आप गो वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। गो का मतलब है ये फॉर्म, और जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस है उनके साथ में भी आप गो यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम गो सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं ना, ये थर्ड पर्सन की वर्ब्स होती हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के नहीं होते हैं, तो इसका यूज हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा देखिए क्या ध्यान रखना है,
अब जैसे ये गो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, इसी तरह गो आपकी बेस फॉर्म है और गो सिंगुलर फॉर्म है, इसी तरीके से हम वॉक्स लिख देंगे, ईट्स लिख देंगे, टीचर्स लिख देंगे, तो वो तो आप पहचान ही जाओगे कि भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स हो गई। और जैसे गो हमने लिखा, अगर हम यहाँ पे वॉक लिख देंगे, ठीक है, ईट लिख देंगे, टीच लिख देंगे, तो ये आपकी बेस फॉर्म्स हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई मेन वर्ब की बात। उसके बाद में फिर आप आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हो गई, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है। तो जैसे इज हैज है, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं, ठीक है। आर है, ठीक है, हैव है, ये हमारी प्लुरल वर्ब्स हो गई। उसके बाद में जो आई होता है उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म में एम यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में, मतलब आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में, उसके साथ में एम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो डेमो वीडियो था, जो मैंने एक वीडियो जिसमें डिटेल समझाई है ऐसे फाउंडेशन बैच की पूरी, उसमें ये बताया भी है कि मैं आपके साथ में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक बार सब्जेक्ट और एलिमेंट के बेसिक्स क्लियर हो जाएं कि हम इसके साथ में प्रेजेंट टेंस में एम क्यों यूज करते हैं, हैव क्यों यूज करते हैं, और फिर पास्ट टेंस में जाते हैं तो वॉज क्यों यूज करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको काफी डिटेल में, और मतलब गोली देने वाली बात, आपको पता कि मैं तब तक कोई बात नहीं करता जब तक मैं उसको प्रूव ना कर लूं, ठीक है, हवा भाई मैं नहीं करता, ठीक है। तो वो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स जो है, जो इजी बेसिक्स है, वो आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है वो थर्ड पर्सन की वर्ब होती है, उसको थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है, ठीक है। बाकी जो वर्ब की दूसरी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, वो बाकी सबके लिए यूज होती है। बाकी सबका मतलब है जो थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यूज होगी, और जो फर्स्ट सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो उनके साथ यूज होगी, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जो मैं आगे जब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन तो वहां पर यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई ब्रदर हैज अराइव होम, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा माई ब्रदर एंड माई फादर हैव अराइव्ड होम। ठीक है, तो यहां देखो क्या है, ये माई ब्रदर जो हमने लिखा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैज अराइव्ड इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, ये एक सिंगल हमारे पास सब्जेक्ट है और एक सिंगल हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट, ये सिंपल सब्जेक्ट हो गया और ये सिंपल प्रेडिकेट हो गया, भाई एक सब्जेक्ट हो गया एक उसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पे देखें तो एक सब्जेक्ट हो गया हमारे पास माई ब्रदर, एक सब्जेक्ट हो गया माई फादर, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, एंड जो होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक सिंगल नहीं है, दो सब्जेक्ट हैं जिनको हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है, तो हम इन्हें कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, मतलब माई ब्रदर सिंगल सिंपल सब्जेक्ट है, माई ब्रदर एंड माई फादर कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ दिए तो प्लुरल हो गया, तो हमने जो प्रेडिकेट यूज किया उसमें वर्ब प्लुरल लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट तो हो गया कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब वी आर यूजिंग टू और मोर देन टू नाउन्स एज अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये सिंपल प्रेडिकेट है। फिर मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख दूं एक थर्ड सेंटेंस, माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड होम एंड इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, माई ब्रदर अभी सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैज रिटर्न्ड होम प्रेडिकेट है, उसके बाद में इज वॉचिंग टीवी ये भी प्रेडिकेट है, और इन दोनों प्रेडिकेट को हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, तो ये दोनों हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट हो गए, मतलब ये दोनों मिलके कंपाउंड प्रेडिकेट बन गए। कंपाउंड प्रेडिकेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉमन है। तो ये एक छोटी सी बात है, आप ध्यान रखेंगे, अगर हम एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसके लिए एक प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी सिंपल प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक प्रेडिकेट हो और उस प्रेडिकेट के लिए हम दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को यूज करें किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करके, तो हम इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। माई ब्रदर एंड माई फादर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि इसका प्रेडिकेट कॉमन है, तो ये सब्जेक्ट कंपाउंड हो गया। अच्छा, यहां पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक है माई ब्रदर,
लेकिन हमने इसके लिए प्रेडिकेट दो यूज किए हैं। एक प्रेडिकेट हैज रिटर्न होम, एक प्रेडिकेट है इज वॉचिंग टीवी, दोनों को एंड से कनेक्ट कर रखा है, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। कंपाउंड प्रेडिकेट इस कॉमन सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है और ये कंपाउंड सब्जेक्ट उस कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा टर्म है, ये ध्यान रखना है कि जब कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाएगा तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, और जो कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाएगा तो उसका मतलब आपको क्या समझना है। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, हम दो या दो से ज्यादा पर्सन या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को किसी एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम किसी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट्स को यूज करेंगे तो वो दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट कह जाएंगे, ठीक है। वर्ब जो होती है वो प्रेडिकेट का पार्ट होती है। एक्चुअली होता क्या है कि प्रेडिकेट के शुरुआती वर्ब से होती है, ठीक है। तो जो हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट पार्ट जो होता है और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है, वर्ब प्रेडिकेट पार्ट में लाई करती है और सब्जेक्ट तो उससे पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ब हमेशा हमारी प्रेडिकेट पार्ट में होती है और सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट से अदर देन, मतलब अपार्ट अदर देन प्रेडिकेट इज सब्जेक्ट, ठीक। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सब्जेक्ट और एलिमेंट के किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझने हैं और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, वर्ब्स आर यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब्स। ये एक बेसिक मतलब फंडामेंटली जो आपको ध्यान देना है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही आर वेरी हैप्पी, ही आर वेरी हैप्पी, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमने सब्जेक्ट तो लिखा ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। प्रेडिकेट में हमने वर्ब लिखी आर, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए नहीं यूज होती, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब यूज होती है इज, तो ये गलत हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं कर रहे, दे आर नॉट एग्रींग इन नंबर एंड पर्सन। नंबर और पर्सन में ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन वो प्लुरल नंबर की है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख दो जो इस वर्ब के साथ यूज हो सकता हो, जैसे मान लो वी लिख दें, दे लिख दें, यू लिख दें, तो भी सही जाएगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि ही के अकॉर्डिंग इज लिख दो, ठीक है। तो ये बेसिक हमेशा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज होता, ठीक है। तो हमेशा हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है, अनलेस एंटिल इट इज समथिंग रेयर, मतलब जब तक तो कुछ मामला, मतलब कई मामले रेयर भी होते हैं ना जहां पे आपको यू हैव टू बी लॉजिकल, ठीक है। तो अगर उतना ज्यादा मतलब ट्रिकी सिचुएशन नहीं है तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि अगर किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट या वर्ब में से किसी एक को करेक्ट करके सेंटेंस को सही कर सकते हैं तो आप हमेशा वर्ब को ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला बेसिक सब्जेक्ट और एलिमेंट का ये हो गया आपको जो ध्यान रखना है कि वर्ब्स आर यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स आर नॉट यूज अकॉर्डिंग टू वर्ब्स। अब इस सेंटेंस में देखना अपना एप्लीकेशन, यहां पर हमने एक सब्जेक्ट लिखा द पर्सन, ठीक है, और वर्ब लिखी है वर वेटिंग, ठीक है। यहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा था पीपल और यहां पे वर्ब लिखी है वॉज वेटिंग, तो ये गलत हो गया क्योंकि पीपल थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है वॉज वेटिंग, वहां पे पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब जो है हमारी प्लुरल है। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे सही कर सकते हैं? एक सही करने का तरीका ये हो गया कि ये जो वॉज है वहां लिख दें और वर्ब जो है वो यहां लिख दें। एक तरीका ये हो गया कि पीपल यहां लिख दें, पर्सन यहां लिख दें, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा ध्यान देना है कि यू हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम यहाँ पे पर्सन लिख देंगे तो सही हो जाएगा, यहाँ पे पीपल लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको हमेशा वर्ब सही करनी है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए वॉज, ठीक है, पीपल के अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब यूज कीजिए वर्ब, डन, सिंपल है। तो ध्यान रहेगा कि अगर कभी आपको लगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में से किसी एक को चेंज करके सेंटेंस सही हो सकता है तो आप हमेशा वर्ब को सही करेंगे जब तक मामला कुछ और ना हो। क्या ना हो मामला, मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं, देखो, ठीक है। लॉजिक्स नॉट रूल्स शुड बी लर्न, मतलब जब हमें सीखना होता है ना तो हमें लॉजिक सीखना चाहिए कि व्हाट इज, देखिए लैंग्वेज में जब भी हम कुछ बोलते कहते हैं ना तो वो ग्रामेटिकल जो ग्रामर स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है, वो मतलब मस्ट है, लेकिन वो जो आप कह रहे हो वो लॉजिकल भी होना चाहिए। मतलब अगर वो आप मान लीजिए ग्रामेटिकली कोई बात सही कह रहे हो लेकिन वो इलॉजिकल है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, या फिर वो मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, तो वो गलत हो जाएगा। तो मतलब आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि रूल्स नहीं होते हैं, रूल्स के थ्रू नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप रूल्स के थ्रू सीखते हो ना तो आप
टाइपकास्ट हो जाते हो आप, उससे ज्यादा सोच समझ नहीं पाते, दिमाग को जरूरत पड़ने पे यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आप याद करें पहले से बैठे होते हो, तो आपको दिमाग यूज करने की आदत नहीं होती है। मैं आपसे यही कहता हूं कि लैंग्वेज में लॉजिक भी आपका मतलब एक मतलब कंपोनेंट होता है। व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज यू हैव टू लर्न इट लॉजिकली, ठीक है, आपको उसको लॉजिकली सीखना होता है। ये नहीं केवल आपने रूल्स याद कर लिए सब्जेक्ट और एडवर्ब के, नाउन के, प्रोनाउन के, आपको उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए। लॉजिकली मतलब उनके बारे में सोचना, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप करनी चाहिए लैंग्वेज सीखते समय। अब यहां देखो, हमने लिखा द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमने प्लुरल लिख दिया, मतलब गलत हो गया सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट है लीडर सिंगुलर, और यहाँ पे हमने वर्ब प्लुरल लिख दी, वर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारे पता है हमें गलत है, विद द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी, तो ये गलत हो गया। अब हम इसको क्या करें, या तो इसको सेंटर्स कर दें या इसको हम यहां पर वॉज कर दें। अब देखिए होता क्या है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से हमें वर्ब चेंज करनी चाहिए भाई, जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से हमें वर्ब को चेंज कर देना चाहिए, वर्ब की जगह वॉज लिख देना चाहिए। तो एक तो हम इसलिए वॉज लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा एक मैं आपको और डिफरेंस बताता हूँ। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा द मूवमेंट, द मूवमेंट मान लीजिए मूवमेंट एक है, एक आंदोलन है, किसी भी एक चीज में चाहे वो सर्कल हो या कुछ भी हो, उसका एक चीज का मतलब सेंटर जो होता है ना एक ही होता है। मान लीजिए कि तीन मूवमेंट है, एक मूवमेंट साउथ अफ्रीका में हुआ, एक इंडिया में हुआ, एक न्यूजीलैंड में हुआ, तो थ्री डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, तो उनके थ्री डिफरेंट सेंटर्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है, कि भाई वहां का सेंटर कौन है, यहाँ का सेंटर कौन है, वहां का सेंटर कौन है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा द मूवमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट सिंगल मूवमेंट, तो अगर हम एक डेफिनेट सिंगल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो भी सेंटर होगा वो एक ही होगा, तो इसीलिए भी हम सेंटर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो अगेंस्ट लॉजिक भी है, और अगेंस्ट जो हमारा मतलब एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज है उसके हिसाब से भी गलत है कि भाई आपको सब्जेक्ट और वर्ब में से वर्ब को चेंज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर हम मान लो उसको सेंटर्स कर भी दें तो फिर वो लॉजिकली भी गलत हो जाएगा, अ सिंगल थिंग कैन नॉट हैव मल्टीपल सेंटर्स, ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे। अब ये हमें बोलने में सुनने में कितना अजीब लगेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इसको वॉज ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर, यहां पर हमने सेंटर नहीं, यहां पे हमने लिखा लीडर, ठीक है। अब देखिए लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स, लीडर वो पर्सन होता है जो लीड करता है, ठीक है। अब लीडर का मतलब पर्सन होता है, यहां पे देखें तो तीन पर्सन की बात हो रही है, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी। अब अगर हम इसके हिसाब से चलें तो जैसे हमने यहाँ पे सेंटर सब्जेक्ट सिंगुलर देख के वर्ब को सिंगुलर कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे लीडर सब्जेक्ट को देखकर वर्ब को सिंगुलर कर देना चाहिए, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल पर्सन नहीं है, ये दीज आर थ्री डिफरेंट पीपल, तो अगर ये थ्री डिफरेंट पीपल हैं तो हमें इसको लीडर्स लिखना पड़ेगा। देखिए लीडर कॉमन नाउन है जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डिफरेंट पर्सन, हम थ्री डिफरेंट पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी मस्ट यूज हियर लीडर्स, तो इसमें आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं समझना, आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक, पहली बात तो मैं रट्टा मारने नहीं दूंगा, मैं तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको रटने ही नहीं दूंगा, ठीक है, हर समय दिमाग यूज करवाऊंगा, आपको नहीं चाहोगे तब भी दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी क्लासेस में कई बार बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज पढ़ते समय, इंग्लिश पढ़ते समय दिमाग यूज करने के आदी होते नहीं है क्योंकि उनको इस तरीके के लोगों ने पढ़ा दिया होता है इंग्लिश बहुत आसान है, चुटकी बजाते आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, हालांकि उन लोगों को आज तक खुद भी नहीं आई, ठीक है, लेकिन वो बच्चों को ये कह देते हैं आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपसे दिमाग यूज करवाऊँ कि आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े, आपको सोचना पड़े, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, आपको क्रिटिकली सोचना पड़े, लेकिन इसमें ना मदद तुम लोगों की भी चाहिए होगी कि भाई उसको सपोर्ट करो, उतना सोचो उतना समझो, ठीक है। तो ठीक है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हो सकता है वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ जाए टू मेंटेन द लॉजिक, बिकॉज वी कांट गो अगेंस्ट लॉजिक, हम अगेंस्ट लॉजिक नहीं जा सकते कुछ, आप ग्रामेटिकली कितने भी सही हो अच्छी बात है, लेकिन जो आप कह रहे हो वो लॉजिकली होना चाहिए, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो फिर आप ग्रामेटिकली कितने भी सही हो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हमने लिखा द लीडर ऑफ द मूवमेंट नो गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। अब देखो यहां पे हमने लिखा द लीडर सब्जेक्ट हो गया, यहां पे हमने वर्ब लिखी नो प्लुरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लुरल है, फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो फिर से हमें सही करना है। अब फिर से हम क्या करें, नोज करें या लीडर्स करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हमने लीडर को लीडर्स कर दिया था, वर्ब को तो चेंज नहीं किया था क्योंकि यहां पे तीन लोगों की बात हो रही थी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, अच्छा वही तीन लोगों की बात यहां भी हो रही है। लेकिन अब एक चीज समझना, एक छोटी सी बात समझना, यहां पे कहानी क्या है कि ये जो हमने द लीडर लिखा है ना, ये लीडर पर्सन जो, ये जो लीडर हमने नाउन लिखा है वो नाउन गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी को रेफर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि
क्यों नहीं रेफर कर रहा मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे लॉजिक ये, जो हमने वर्ब लिखा है लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी हम नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होंगे और वो सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। तो इसका मतलब ये जो हम लीडर टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो टर्म गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी के लिए यूज हो रहा था, तो हमने इसको लीडर्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमने वर्ब लिखी है लिंकिंग वर्ब नहीं है, नो वर्ब है, ठीक है, तो ये मतलब लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इसके बाद जो हम ये गांधी जी, नेहरू जी वगैरह लिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट्स थे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ये जो है ना वही सब्जेक्ट है। तो जब ये तीन लोग हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, हमने लीडर्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वो लीडर कोई और पर्सन है और जिन लोगों को जानता है ये अलग पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए वो कंपल्सन नहीं है कि हम गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी के अकॉर्डिंग लीडर का नंबर डिसाइड करें, ठीक है। यहाँ पर हमें गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष जी के अकॉर्डिंग लीडर का नंबर डिसाइड करना पड़ा, क्योंकि ये लीडर टर्म इन्हीं के लिए यूज हो रहा था। जब ये तीन है तो लीडर को प्लेटफॉर्म में लीडर्स लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष जी अलग पर्सन है और वो लीडर जो इन लोगों को जानता है वो अलग पर्सन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चेंज करेंगे और नोज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली बात पता क्या, बात ये कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब में से किसी को भी एक चेंज करके सेंटेंस सही कर सकते हैं, तो हमेशा वर्ब को सही कीजिए, ठीक है। बिकॉज वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट समटाइम्स सिचुएशंस आर डिफरेंट, कई बार सिचुएशंस या एग्जाम्पल्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर सोचने की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा सोच लेना, मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है तुम समझ रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पढ़ना है कि अ सब्जेक्ट इज यूजली यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट मस्ट हैव अ वर्ब। तो ये हमेशा ध्यान देना कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, देखिए वैसे तो मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट यूज होते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर सब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में चेंज हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अ सब्जेक्ट इज यूजली यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज होता है एंड इट मस्ट हैव अ वर्ब। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, एंड इट मस्ट हैव अ वर्ब। सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं यूज हो सकता, वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं गो देयर, कम हियर, हेल्प मी, लिसन टू मी वगैरह वगैरह, तो इनमें देखो हमने वर्ब लिखी, सब्जेक्ट नहीं लिखा। हालांकि ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट होते हैं। अच्छा, ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट हमेशा हम कर सकते हैं अपने लिसनर को, ठीक है। तो इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा ही यू होता है, डिफॉल्ट सब्जेक्ट इनका यू होता है, तो वो हम लिखे या ना लिखे वो पता होता है कि यू ही होगा, ठीक है। तो हम उसको मेंशन नहीं करते, लिखते बोलते नहीं है, लेकिन होता हमेशा यू है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो चलो एक बार ऐसा हो सकता है कि हम वर्ब के बगैर सेंटेंस बना लें, वी कैन फॉर्म सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट, सॉरी विदाउट सब्जेक्ट नहीं, विदाउट मतलब विदाउट सब्जेक्ट कहना चाह रहा था, विदाउट वर्ब कह गया, ठीक है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज वर्ब्स विदाउट सब्जेक्ट्स, बट वी कैन नेवर यूज सब्जेक्ट्स विदाउट वर्ब्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना, हम वर्ब को बिना सब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन सब्जेक्ट बिना वर्ब के कभी नहीं यूज होते। तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट यूज किया है देन इट मस्ट हैव अ वर्ब, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स की मदद मतलब से मैं आपको समझाता हूं, देखिए है क्या, ये हमने बिगिनिंग में वर्ड लिखा द टाइटल, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो कोई ना कोई तो इसकी वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब, ठीक है। अब हम यहां पे देखें एक वर्ब है हमारे पास वॉच्ड, लेकिन इस वॉच्ड वर्ब का अपना सब्जेक्ट है आई, तो इसका मतलब जो वॉच्ड वर्ब है ये टाइटल वर्ब की तो सब्जेक्ट की तो वर्ब होगी नहीं, तो चलो कोई और वर्ब होगी इसकी। तो यहां पे देखिए एक वर्ब है आर, ठीक है। अब हम इस आर वर्ब को का सब्जेक्ट फ्रेंड्स को माने या इस आर वर्ब का सब्जेक्ट टाइटल को माने। अब अगर मान लीजिए हम आर वर्ब का सब्जेक्ट फ्रेंड्स को मान लेते हैं, ठीक है, तो चलो ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर तो ठीक हो जाएगा, माई फ्रेंड्स आर रेडी। लेकिन फिर दिक्कत है कि वो टाइटल सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब कहाँ है, फिर तो पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो एक तो ये मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रेंड्स है ना, ये एक्चुअली में इस आर वर्ब का सब्जेक्ट हो नहीं सकता। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो विद है ये प्रेपोजिशन है और माई फ्रेंड्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप पहले से ना जानते हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते, मतलब वो वर्ब के सब्जेक्ट क्या, वर्ब के ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी कि अगर हमने माई फ्रेंड्स को विद प्रेपोजिशन के बाद लिख रखा तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। अगर वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं तो फिर वर्ब का सब्जेक्ट क्या द मूवी हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो जैसे ये सब्जेक्ट, ये मूवी है, फ्रेंड्स हैं, ये प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब वो जो हमने वर्ब वहां पे लिख रखी है, इसका सब्जेक्ट टाइटल हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि टाइटल जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम वर्ब आर क्यों लिखेंगे? आर तो प्लुरल सब्जेक्ट के लिए होने वाली वर्ब होती है, तो यहाँ पे इस लिख दीजिए। खैर, इस एग्जाम्पल से आपने क्या क्या सीखा? अ सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं यूज होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने ये सीखा कि सच नाउन्स और प्रोनाउंस एज आर यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशंस आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज प्रेपोजिशंस एंड दे कैन नेवर बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ सम वर्ब। ठीक है, ये सीखा। उसके बाद में और क्या सीखा? उसके बाद में हमने ये और ये सीखा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाए, मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो कई तरीके से ऐसा हो जाता है। देखो, मैंने लिखा द टाइटल इज रेडी, रेडी मूवी है ना सलमान खान की। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा द टाइटल इज रेडी, तो यहां देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ये आसान क्वेश्चन है, सब्जेक्ट और वर्ब साथ ही साथ में लिख दिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में काफी गैप हो गया। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा सेंटेंस का, और उस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पर लिखी सेंटेंस में। ठीक है, अब ये सेंटेंस बड़ा है, इतना बड़ा सेंटेंस है, ये इतना छोटा सेंटेंस है, तो कई बार अगर ऐसा हो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में गैप हो जाए, मतलब हमने कोई क्लॉज यूज कर दी, कोई फ्रेज यूज कर दी, तो कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में गैप हो जाता है, देन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। आपको उस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, शांत दिमाग से ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं तो वर्ब होगी, और उस वर्ब को ढूंढना है और ये देखना है डज द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए द डेफिनेशन। हमने स्टार्टिंग में यूज कर रखा है इस नाउन को, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं तो इसकी वर्ब होगी। ठीक है, अब देखें तो क्या इसकी वर्ब टॉट हो सकती है? नहीं हो सकती। टॉट इसकी वर्ब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि टॉट वर्ब का सब्जेक्ट आर टीचर है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद में देखें तो और कौन सी वर्ब हो सकती है? वर हो सकती है क्या? ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो वर है, वर्ब इसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा, क्या ये डेफिनेशन ही तो इसका सब्जेक्ट नहीं है? लेकिन इससे पहले हमने लेक्चर्स लिख रखा है, ऐसे देख लें, लेक्चर्स तो सब्जेक्ट नहीं है। तो देखें जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिखा है ना, ये ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वन जो है वो इन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते। अच्छा, द वर्ड्स है वो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वन जो है वो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये इसके सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर ये वर्ड्स नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, द प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है, वर, इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर द डेफिनेशन हो गया, द डेफिनेशन सब्जेक्ट हो गया, तो वॉज लिख दो। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स की मदद से, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज इन दैट कंडीशन, यू मस्ट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमने लिखा देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो देयर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ भी देयर सब्जेक्ट हो गया, ये एक्चुअल में ना बट कंजंक्शन है, तो वो हमने दूसरा सब्जेक्ट लिख दिया, तो हैज वर्ब हो गई, यहाँ भी हैज वर्ब हो गई, तो ये सेंटेंस तो हमारे सही होने चाहिए क्योंकि दोनों जगह हमने देयर के साथ हैज लिखा है। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे बात पहले से जानते होंगे कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। ध्यान से पढ़ोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर। तो एक तो ऐसे पता चल गया कि व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेंस इट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि जो देयर होता है ये एक एडवर्ब होता है, और हम इसको कुछ कंडीशन में एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। हम इसको इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के तरीके से क्यों यूज करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है लैंग्वेज में, इस बात को लेकर मैंने एक यूट्यूब पे एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस किया, काफी डिटेल्ड, डमी सब्जेक्ट्स के नाम से है वो। ठीक है, और मतलब उसमें काफी ज्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने इस बात को। ठीक है, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अपना देख सकते हो। बाकी छोटी सी बात ये ध्यान रखिए, देयर जो वर्ड होता है ना, ये एडवर्ब होता है, ये कोई नाउन ए प्रोनाउन नहीं होता, तो ये हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट कभी बन भी नहीं सकता क्योंकि ये नाउन ए प्रोनाउन होता ही नहीं है, ये एडवर्ब होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेंटेंस में देयर को यूज कर देते हैं एट द बिगनिंग, तो हमेशा ध्यान देना ये देयर कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, ये
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख दिया जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये रियल सब्जेक्ट होता नहीं है तो वर्ब तो हमें रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे हमारा रियल सब्जेक्ट है सम फॉर्म, ये सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर हैज लिख दी, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्कूल्स है, स्कूल्स प्लुरल है, तो अगर स्कूल्स प्लुरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें प्लुरल लिखनी चाहिए थी, हैवंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज होता है, और उसके लिए कोई ना कोई सेंटेंस में हमें वर्ब जरूर यूज करनी पड़ती है, तो हमें ढूंढना चाहिए उसकी वर्ब कहां पर, और ये देखना चाहिए डज द वर्ब एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम कई बार ऐसा होता है देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट वगैरह यूज कर लेते हैं तो वर्ब की पोजिशन, सब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो जाती है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ना रह के बाद में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है। एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट अ सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, ओके। नेक्स्ट ठीक है, व्हाइल रेफरिंग टू सम पार्ट ऑफ अ टोटल यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द पार्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम एक टोटल है, एक बड़ा टोटल है, और उस टोटल के एक पार्ट को रेफर कर रहे हैं, मतलब हम उस टोटल को नहीं रेफर कर रहे पूरा, हम उस टोटल के एक पार्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अगर आप टोटल को नहीं, टोटल के पार्ट को रेफर कर रहे हो, तो वो पार्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट आर्गुमेंट का एक यूज, इसको ध्यान रखना है। और इस यूज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। देखो मैंने लिखा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब मान लीजिए किसी पर्सन के बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स तो उसके बहुत हो गए, लेकिन हम बात सबकी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनमें से किसी एक की। तो ये जो है ना वन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया पार्ट, और ये इस पार्ट किस टोटल से लिया गया, वो इस टोटल से लिया गया, तो टोटल हो गया हिज फ्रेंड्स और पार्ट हो गया वन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ सम टोटल, देन यू मस्ट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टोटल, सॉरी अकॉर्डिंग टू द पार्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द टोटल। अब यहां पे समझना, जैसे हमने लिखा ना वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो ये वन हमारा सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट भी नहीं, मैं इसको पार्ट कहूंगा, ठीक है, ये पार्ट है और हिज फ्रेंड्स टोटल है। तो जब हम किसी टोटल में से पार्ट को रेफर करते हैं तो हमेशा ध्यान देना सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है, टोटल नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं ना हैज हैव बोरोड, इस वर्ब का सब्जेक्ट वन है, वन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे हैज आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो एक तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रख सकते हो कि व्हेन वी आर रेफरिंग टू पार्ट ऑफ सम टोटल देन वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट नॉट अकॉर्डिंग टू दैट टोटल, ठीक है। अच्छा दूसरा अपना वो छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अपना ध्यान रखोगे तो उससे भी काम चल जाता है, जैसे ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो हिज फ्रेंड्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी नहीं, वर्ब आएगी वन के अकॉर्डिंग, वन सिंगुलर होता है तो हमने वर्ब हैज लिख दी, ठीक है। तो चाहो ऐसे समझ लो, मतलब यू कैन एक्सप्लेन इट इधर वे, आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमने मैनी ऑफ दी मेंबर्स लिखा, तो मैनी भी पार्ट को रेफर कर रहा है, मैनी का मान लीजिए एक बहुत बड़ा माई द मेंबर्स सब्जेक्ट हो गया, द मेंबर्स एक टोटल हो गया, द मेंबर्स का मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे, और मैनी का मतलब उनमें से काफी, मतलब हम टोटल को नहीं, हम टोटल के एक पार्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैनी है ना ये पार्ट हो गया, और ये पार्ट किस टोटल का है, वो टोटल ये हो गया, ठीक है। तो हमें वर्ब तो पार्ट के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। अच्छा मैनी जो होता है वो सिंगल को तो रेफर नहीं करता, जैसे वन है वन सिंगल को रेफर करता है तो इसका नंबर सिंगुलर हो गया, मैनी मोर देन वन को रेफर करता है तो इसका नंबर प्लुरल हो गया। अब चूंकि इसका नंबर प्लुरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें हैव लिखनी पड़ेगी, वन सिंगुलर था तो उसके अकॉर्डिंग हैज लिखनी पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो सिंगुलर है, यहाँ पे जो पार्ट है वो प्लुरल है, तो मतलब पार्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखिए, प्लुरल है तो प्लुरल लिखिए, ठीक है। अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे हिज फ्रेंड्स जो था वो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये जो ऑफ है ये भी मेंबर्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग भी नहीं यूज हो सकते, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में हमने लिखा सम ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट ऑन डेकोरेशन, ठीक है। सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री कैटेगरीज। अब देखो यहां पे ये जो सम है और ये जो सम है, ठीक है, ये पार्ट है। अच्छा इस पार्ट का टोटल क्या है, द मनी, और इस सम का टोटल क्या है, इस पार्ट का टोटल क्या है, द कैंडिडेट्स, अब देखो यहां पे होगा क्या, जो वन है ये तो हमें पता है कि चलो भाई सिंगुलर है, हमने इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दिया सिंगुलर हैज, ठीक है। यहाँ पे जो मैनी है ये प्लुरल है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लिख दी हैव। अच्छा अब आप सम को क्या कहोगे, सम का तो कोई नंबर नहीं डेफिनेट होता है, ठीक है,
तो अब इसको हम क्या माने, सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रैक्शंस को रेफर करते हैं, उनमें नंबर नहीं होता, ठीक है, उनका कोई डेफिनेट नंबर हो नहीं सकता क्योंकि ये नहीं पता होता कि वो किसके पार्ट को, टोटल मतलब पार्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए सम है, ये मैं वर्ड्स यहाँ पे लिखा देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे, सम है, ऑल है, अलॉट ऑफ है, ऑफ चाहो आप इनके सबके बाद में लिख ही लेना, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अलॉट ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, या जैसे हमने लिख दिया मोस्ट ऑफ, ठीक है, या हमने लिख दिया एनी ऑफ, या हमने लिख दिया नन ऑफ, ठीक है, या हमने लिख दिया हाफ ऑफ, या हमने लिख दिया वन थर्ड ऑफ, या हमने लिख दिया टू फिफ्थ ऑफ, या हमने लिख दिया 10% ऑफ, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो किसी भी टाइप के पार्ट को रेफर कर सकते हैं। किसी भी टाइप के पार्ट का मतलब ये होता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के पार्ट को भी रेफर कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन्स के भी पार्ट को रेफर कर सकते हैं। तो अब हमें ध्यान ही रखना है कि इनका नंबर ना वेरी करता है। जैसे वन का नंबर फिक्स है, डेफिनेट नंबर है वन का, वन वन का नंबर डेफिनेट है सिंगुलर, मैनी का नंबर डेफिनेट है प्लुरल, ठीक है, तो वन का नंबर डेफिनेट है सिंगुलर, मैनी का नंबर डेफिनेट है प्लुरल। लेकिन ये जो सम ऑफ है, ऑल ऑफ है, अलॉट ऑफ है, अ प्लेंटी ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, एनी ऑफ है, नन ऑफ है, हाफ ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, टू फिफ्थ ऑफ है, 10% ऑफ है, और द अदर वर्ड्स लाइकवाइज, मतलब या इस तरीके के जो बाकी वर्ड्स हैं, उनका नंबर ना डेफिनेट नहीं होता, उनका नंबर वेरिएबल होता है, वो वेरी करता है टोटल के नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सम जो है ना, इसका टोटल है मनी, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो जो उसका फ्रैक्शन है, जो उसका पार्ट है, वो भी सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर हैज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो हमने लिखा है नाउन, वो प्लुरल है, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स प्लुरल नाउन है, तो उसका जो फ्रैक्शन है वो भी प्लुरल हो जाएगा, तो हमें वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी हैव। तो अब देखो यहाँ पे समझना क्या है, ये जो हमने वर्ब हैज लिखी और हैव लिखी, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर सम है और यहाँ पर भी सम है, तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सेम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो हमने वर्ब क्यों चेंज कर दी? सम के अकॉर्डिंग या तो हमें हैज लिखना चाहिए था दोनों एग्जाम्पल्स में, या हमें सम के अकॉर्डिंग हैव लिखना चाहिए था दोनों एग्जाम्पल में, हमने चेंज क्यों कर दी? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सम होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब दोनों तरीके के नाउन्स का पार्ट रेफर कर सकता है। तो अगर हम इसका यूज किसी सिंगुलर नाउन के पार्ट के लिए करें तो फिर वर्ब इसके साथ सिंगुलर लिखनी है, अगर हम इसका यूज किसी प्लुरल नाउन के पार्ट के फॉर्म में करें तो फिर इसके बाद में वर्ब प्लुरल लिखनी है, ठीक है। और केवल ये बात सम की नहीं है, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि इनके बाद में जो लिखा गया टोटल होता है, ठीक है, ये उसी का नंबर शेयर करते हैं। अगर इनके बाद लिखा गया टोटल प्लुरल है तो ये सारे प्लुरल हैं, अगर इनके बाद में लिखा गया टोटल सिंगुलर है तो ये सारे सिंगुलर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमने जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, अब अगर हम देखें फिफ्थ एग्जाम्पल में, तो जैसे यहां पे हमने हाफ लिखा, हाफ पार्ट हो गया, अच्छा अब हम देखें इसका टोटल है प्लेयर, सिंगुलर हो गया, ठीक है, तो हमें हाफ, जैसे देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, अगर इनका टोटल सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर है, अगर टोटल प्लुरल होगा तो ये प्लुरल है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो द प्लेयर है वो सिंगुलर नाउन है, तो अगर ये हाफ सिंगुलर नाउन का पार्ट है तो ये भी सिंगुलर हो गया, अगर ये सिंगुलर हो गया तो हमें वर्ब यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज लिख देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या कहा था, वी शुड लर्न लॉजिक नॉट रूल्स, हमें लॉजिक सीखना चाहिए, वी मस्ट डेवलप काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वाइल लर्निंग सम लैंग्वेज, भाषा सीखते समय हमें क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी चाहिए, केवल चीजें याद नहीं कर लेनी चाहिए, रूल्स याद कर लिए, चैप्टर याद कर लिए, क्वेश्चन याद कर लिए, आंसर याद कर लीजिए, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एक एबिलिटी भी डेवलप करनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पे सही गलत अपने आप सोच पाओगे, जरूरत पड़ने पे कि सब जो पहले से याद कर रहे हो रट्टा मार के बैठे हो इसी के सहारे रहोगे हमेशा, कि जरूरत पड़ने पे अपना भी दिमाग यूज कर पाओगे, तो दिमाग को एटलीस्ट इतना शार्प कर लो कि जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा यूज कर लो, ठीक है। अब देखो अगर हम लिख दें हाफ ऑफ द प्लेयर वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस, ये इसलिए गड़बड़ हो जाएगा बच्चे क्योंकि फिर इसका मतलब ये निकलेगा कि एक प्लेयर था उसका जो हाफ था वो स्ट्रगल कर रहा था, तो ये तो बेतुकी बात हो गई, क्योंकि देखिए देर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डिवाइड, ठीक है, देर आर सम थिंग्स विच वी कैन डिवाइड, जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मनी है वी कैन डिवाइड इट, ठीक है, पानी है वी कैन डिवाइड इट, ठीक है, लैंड है वी कैन डिवाइड इट, ठीक है, फूड है वी कैन डिवाइड इट,
ठीक है, टीम है, वी कैन डिवाइड इट। मान लीजिए 20 प्लेयर्स हैं, तो हमने उसके 10 प्लेयर्स ईच की दो टीम्स बना दी, बट एक सिंगल पर्सन को आप कैसे डिवाइड करोगे? मान लीजिए सिंगल पर्सन है तो उसको डिवाइड कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो ये जो हमने लिखा है ना सेंटेंस, इस सेंटेंस में बजाय कि आप यहां पे वॉज करने के, इसको प्लेयर्स कर लो, दैट इज लॉजिकल। अब देखो होगा क्या, अगर हम यहाँ पे वॉज लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामर के हिसाब से सही होगा। भाई ग्रामर तो यही कहते हैं ना कि अगर आप हाफ को किसी सिंगुलर पार्ट टोटल के लिए यूज करोगे तो हाफ का नंबर सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर लिख देना। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा हाफ ऑफ द चैप्टर इज इजी, ठीक है, तो यहां पर हमने हाफ को एज अ पार्ट ऑफ चैप्टर यूज कर लिया, तो चैप्टर टोटल है। अच्छा चैप्टर जो है वो मतलब सिंगुलर नाउन है, तो हाफ का भी नंबर सिंगुलर हो गया, तो हमने यहाँ पे इज लिखा, ये सही हो गया। तो ग्रामर तो यही कहती है भाई हाफ का यूज अगर आप किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज कर रहे हो तो हाफ भी सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखना। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमने यहाँ पर प्लेयर्स जो वॉज अगर लिख दें तो वो सही हो जाएगा, लेकिन वो केवल ग्रामेटिकली सही होगा, लॉजिकली वो मतलब नॉनसेंस है। ठीक है, तो हमेशा सेंटेंस हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए और लॉजिक के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए। ये लॉजिकल है, हाफ ऑफ द चैप्टर, मान लीजिए 10 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है, तो हाफ ऑफ द चैप्टर 5 पेजेस हो गए। ठीक है, तो हम चैप्टर को तो चलो डिवाइड कर सकते हैं कि भाई आधा चैप्टर यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, और ये आसान है, बाकी जो आधा है वो मुश्किल है, लेकिन आप एक सिंगल पर्सन के बारे में बात नहीं कर सकते, तो यहां पर आपको प्लेयर्स करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से कुल मिला के हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हम कभी किसी पार्ट को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, तो वो जो हम सेंटेंस की वर्ब लिखते हैं वो पार्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, टोटल के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमने ये सीखा कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्ट होता है उसका नंबर डेफिनेट नहीं होता, जैसे वन है, मैनी है, इनका नंबर डेफिनेट है, वन सिंगुलर है, मैनी प्लुरल है, डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन देयर आर सम पार्ट्स विच रेफर टू सच डिविजन्स विच कुड बी सिंगुलर विच कुड बी प्लुरल, जो सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकते हैं, तो उन पार्ट्स का नंबर डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, उनका नंबर वेरी करता है एज पर द नंबर ऑफ द टोटल, तो अगर हम उनका टोटल किसी सिंगुलर नाउन को यूज कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, अगर हम उनका टोटल किसी प्लुरल नाउन को यूज कर रहे हैं तो वो प्लुरल है, तो उनका नंबर वेरिएबल होता है, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, वो वर्ड्स कौन होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, आपको समझा दिए थे, आप अगली बार उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि डोंट यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू अपोजिटिव्स। देखिए आप में से मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जानते होंगे अपोजिटिव्स का मतलब क्या है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। देखिए अपोजिटिव का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं, माय अंकल एन इंजीनियर An engineer gifted me this watch. ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पे समझना, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं पॉजिटिव क्या होता है। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक सब्जेक्ट लिखा है, गिफ्टेड मी दिस वॉच, सॉरी प्रेडिकेट लिखा। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, गिफ्टेड मी दिस वॉच। अब इस प्रेडिकेट का कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा, तो यहां पे देखें एक नाउन हमने यूज कर रखा माय अंकल और एक नाउन यूज कर रखा है एन इंजीनियर। अब अगर ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हम किसी एक प्रेडिकेट के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज करें कंजंक्शन से कनेक्ट करके, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान देना है कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि माई अंकल और अगर एन इंजीनियर ये दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें इन्हें एंड से कनेक्ट करना पड़ता। ठीक है, ये जो हमने कॉमास लगा रखे हैं ना, तो कॉमास का मतलब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक्सट्रानियस इन्फॉर्मेशन है जो सेंटेंस में पुट कर दी गई है, लेकिन वो सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है। तो मेन पार्ट ये जो कॉमास के बीच में लिखेंगे इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमेशा ध्यान देना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होती है हमेशा। तो एन इंजीनियर जो है ना वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हमारा है माई अंकल। अच्छा, अब माई अंकल एक नाउन है और एन इंजीनियर जो है वो अंकल को ही रेफर करने के लिए लिखा गया नाउन है, तो ये जो ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम किसी नाउन प्रोनाउन को रेफर करने के लिए उनके साथ लिख देते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपोजिटिव केसेस। तो यहां पे हमारे पास दो नाउन है, इनमें से एक है माय अंकल, एक है एन इंजीनियर। एन इंजीनियर जो है वो अपोजिटिव केस का नाउन है, अपोजिटिव केस हम कहते हैं उन नाउन्स को जो किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को रेफर करने के लिए एज अ रेफरेंस उनके साथ लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मेरे अंकल हैं, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होगी कि वो इंजीनियर हैं। ठीक है,
एन इंजीनियर जो नाउन है ना, वो पॉजिटिव केस का नाउन है जो माय अंकल के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, माय अंकल हमारे सब्जेक्ट हैं, ये नॉमिनेटिव केस के नाउन है। तो जो हम अपनी वर्ब लिखेंगे ना, ठीक है, वो माय अंकल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बस ये तो अपोजिटिव केसेस ये होते हैं। अपोजिटिव केसेस ऐसी नाउन से या नाउन फ्रेजेस होती हैं जिनका यूज हम किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए उनके साथ में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इन एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूं। देखो, यहां पर हमने एक सब्जेक्ट लिखा यू, वर्ब लिखी हैज टू बी वेरी वॉचफुल, वेरी वेरी वॉचफुल। ठीक है, अच्छा, अब यू कौन है ये बताने के लिए हमने यू के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, द ओनली विटनेस। तो ये जो द ओनली विटनेस हमने कॉमा के अंदर लिखी है ना, कॉमा के बीच में इन्फॉर्मेशन लिखी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यू से रिलेटेड। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन यू को रेफर करने के लिए, तो ये द ओनली विटनेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यू। यू के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी चाहिए, तो हम इसे लिख देंगे हैव। ठीक है, और ये जो द ओनली विटनेस है ना, ये है पॉजिटिव केस का नाउन, और हम इसको बोलचाल में अपोजिटिव्स कह देते हैं या पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, यहां पे हमने एक प्रोनाउन यूज किया आई एज अ सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, और आई के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी हिज बेस्ट फ्रेंड। तो हिज बेस्ट फ्रेंड जो है ना, ये पॉजिटिव केस हो गया। तो हिज बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा। आई हिज बेस्ट फ्रेंड एम कमिटेड टू डूइंग वट एवर इज नीडेड फॉर हिम। तो हो सकता है आपको ये बोलचाल में थोड़ा सा, मतलब बोलने में थोड़ा सा अजीब लगे, बट दैट्स करेक्ट, वो सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान देना कि आप पॉजिटिव्स के अकॉर्डिंग वर्ब्स का यूज ना करें। नेक्स्ट देखो, द सिंबल ऑफ द हैमर एंड सिकल रिप्रेजेंट प्रोलिटेरिएट सॉलिडेरिटी। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है रिलेटेड टू दोज पीपल हु वर्क, मतलब वर्किंग क्लास, जैसे लेबर्स हो गए। ठीक है, मतलब जिनको रोज काम करके अपना मतलब इनकम करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो हमने यहां पे क्या लिखा, द सिंबल। नाउ विच सिंबल, विच सिंबल। अब देखो, जैसे मैंने आई लिखा और यू लिखा, तो आई और यू से तो हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि हु आई हु यू। ठीक है, तो इनके साथ जो हम अपोजिटिव केस लिखते हैं ना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम कॉमा लगा देते हैं। लेकिन कई बार हम अपोजिटिव केस का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए अपने नाउन या प्रोनाउन को, तो हम कॉमा नहीं लगाते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा द सिंबल, विच सिंबल। अब यहाँ पे हमने आई लिखा, विच आई, तो आई तो ऐसे पता चल जाएगा भाई, जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो आई। ठीक है, या यहाँ पे हमने लिखा यू, विच यू, तो अपने आप पता चल जाएगा जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो। तो ये जो आई है और यू है ना, ये तो डेफिनेट है, तो इनके बारे में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे ना फर्दर, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और हम कॉमा लगा के लिखेंगे। लेकिन जैसे हमने द सिंबल लिख दिया, अगर हम ये इन्फॉर्मेशन ना दें द हैमर एंड सिकल, तो ये पता नहीं चल पाएगा विच सिंबल। तो ये जो द हैमर एंड सिकल हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, ये एक द सिंबल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है, क्योंकि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे ना द हैमर एंड सिकल, तो ये पता नहीं चल पाएगा कौन सा सिंबल। ठीक है, तो ये भी अपोजिटिव केस है, लेकिन ये अपोजिटिव केस है डिफाइनिंग, और ये भी अपोजिटिव केस था, लेकिन ये था नॉन डिफाइनिंग। ये नॉन डिफाइनिंग इसलिए था क्योंकि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इसका यूज हो रहा है ना, वो पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन ये जो द हैमर एंड सिकल है ना, ये डिफाइनिंग अपोजिटिव केस है, क्योंकि इसका यूज हम जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो डिफाइंड नहीं है, उसको डिफाइन किया जा रहा है इसके मदद से। ठीक है, तो ये जो द हैमर एंड सिकल लिखा ना, ये भी अपोजिटिव केस है। सब्जेक्ट यहाँ पे द सिंबल, द सिंबल के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो रिप्रेजेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द सिंबल द हैमर एंड सिकल रिप्रेजेंट्स प्रोलिटरेट सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो क्या हमने यहां से सीखा कि वर्ब हमें हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि नॉमिनेटिव केस का नाउन प्रोनाउन होता है, यूज करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम अपने सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए कोई दूसरा नाउन या नाउन फ्रेज यूज कर भी लें अपोजिटिव केस में, तो वो जो अपोजिटिव केस का नाउन प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, यूज क्या है, डोंट यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये बात भी ध्यान रखनी है कि वर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने लिखा राम इज माई फ्रेंड, तो देखो ये जो बी की फॉर्म्स होती है ना, इज एम आर वॉज वर बीन बींग, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं।
आप लोग थोड़ा बहुत लिंकिंग और से पहले से जानते हो कि बाकी जब ऐसे फाउंडेशन में डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हमने इज लिखा है ना एज अ वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है। इनसे पहले जो हम लिख रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन इनके बाद जो हम लिख रहे हैं इसके बाद में, जैसे हमने हिज फ्रेंड लिखा, तो ध्यान से देखो जो हिज फ्रेंड है ना, ये राम को कहा जा रहा है, किसी और को नहीं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है राम, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, माई फ्रेंड सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अभी जैसे हम सब्जेक्ट के लिए अपोजिटिव केस यूज कर रहे थे, तो यहां पे हमने सब्जेक्ट के लिए अपोजिटिव केस तो नहीं यूज किया, लेकिन हमने उसके लिए कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ठीक है। अब ध्यान ये हमेशा रखना है कि ये जो हमारी बी की फॉर्म्स होती हैं, अगर हम इनको एज अ वर्ब यूज करें, हालांकि दो चार और भी होती हैं लिंकिंग वर्ब्स जिनके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैं फर्दर लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर वॉज वर, ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस की और कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन अगर हम इनको एज अ वर्ब यूज कर लें, जैसे यहाँ पे हमने इसको एज अ वर्ब यूज कर लिया, तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। इनके बाद में लिखे गए जो वर्ड्स होते हैं वो इनसे पहले लिखे गए सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो हम उन्हें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जो माई फ्रेंड है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना, ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या है, इसमें राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई फ्रेंड उसका कॉम्प्लीमेंट वो भी सिंगुलर है, तो चाहे राम के अकॉर्डिंग इज लिख दो, चाहे माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग इज लिख दो, बात तो एक ही हमें लगेगी, लेकिन बात हमें भले ही एक लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा जो है वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें देखो, यहाँ पर हमने हिज पेरेंट सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, इसको एज अ वर्ब यूज कर लिया, और हिज ओनली वीकनेस को कॉम्प्लीमेंट बना दिया। अब देखो होता पता है क्या, यहाँ पर ये जो वर्ब हमने लिखी ना इज, वो ओनली वीकनेस के अकॉर्डिंग लिख दी, लेकिन ध्यान से देखो सब्जेक्ट तो सेंटेंस का हिज पेरेंट्स है, तो अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में हिज पेरेंट्स है, तो हम ओनली वीकनेस के अकॉर्डिंग वर्ब क्यों लिख रहे हैं, फिर तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लिखो, आर आ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज और भी ध्यान देना, जनरली होता क्या है, जनरली क्या ये हमेशा ही होता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को वीकनेस या वीकनेस को पेरेंट्स कहा जा रहा है, मतलब ये समझ लो, तो जनरली ऐसे ही होता है। तो अगर आप वर्ब सिंगुलर ही यूज करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका है, आप क्या करो कि कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना दो, ऐसे लिख दो, हिज ओनली वीकनेस, एक मिनट, हिज ओनली वीकनेस आर हिज पेरेंट्स, आप देखो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने लिखा हिज ओनली वीकनेस आर हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो यहां पे हिज ओनली वीकनेस को हमने सब्जेक्ट बना दिया, आर वर्ब हो गई, हिज पेरेंट्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हम सब्जेक्ट फिर से कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, यहां पे कॉम्प्लीमेंट था वीकनेस, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख रहे थे, यहां पे कॉम्प्लीमेंट है हिज पेरेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं यूज होती है। यहां पे सब्जेक्ट पेरेंट्स था तो आर लिख दिया, यहां पे सब्जेक्ट वीकनेस है तो इज लिखो, जब वो अलग बात है कि बात एक ही है, दोनों तरीके से आप कह रहे हो, लगभग आप एक ही सिंगल कॉन्टेक्स्ट जो है उसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि वर्ब्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स, वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करो, कॉम्प्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग मत यूज किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन आर दोज अनोनिमस लेटर्स। अब यहां देखना, द प्राइमरी कॉज सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बिकॉज वी हैव यूज्ड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द प्राइमरी कॉज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दिस कंफ्यूजन जो है ना, आप ध्यान से देखोगे तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये दिस कंफ्यूजन जो है ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सो इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। फिर जो हमने आर वर्ब लिखी है, ये वही बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। तो इसके बाद जो हमने दोज अनोनिमस लेटर्स लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट है प्लुरल, दोज अनोनिमस लेटर्स, और सब्जेक्ट है द प्राइमरी कॉज सिंगुलर, वर्ब हमने लिख दी आर जो कि प्लुरल के लिए यूज होती है, तो इसका मतलब हम वर्ब को लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट द प्राइमरी कॉज है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तब तो आएगी सिंगुलर इज, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब को लिख रहे हैं दोज अनोनिमस लेटर्स के अकॉर्डिंग जो कि प्लुरल है, ठीक है। तो हमने वर्ब को लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए, तो यहां पे लिखो इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन इज दोज एनोनिमस लेटर्स। अच्छा,
अब मान लो आपको आर लिखना है कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो आर लिखेंगे, हमारा मन कर रहा है आर लिखने का, ठीक है? तो खैर ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मन के हिसाब से भी थोड़ा चल लिया करो, ज्यादा नहीं चलना चाहिए मन के हिसाब से, क्योंकि मन तो हमसे गड़बड़ करवा देता है कई बार। लेकिन मान लो मन नहीं, तुम अपना मारना चाहते हो कि नहीं हम तो आर ही लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख दो, दोज एनोनिमस लेटर्स इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। अब देखो, दोज एनोनिमस लेटर्स हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है, और द प्राइमरी कंफ्यूजन हमारा, हालांकि वो ऑफ दिस कंफ्यूजन भी इसी का पार्ट है, द प्राइमरी कॉज, कॉज देखो लिखा ही नहीं, द प्राइमरी कॉज जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, द प्राइमरी कॉज, अच्छा सब्जेक्ट प्लूरल है, दोज एनोनिमस लेटर्स, वर्ब सिंगुलर है इज, तो इसका मतलब वर्ब तो हम लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का नंबर सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नंबर तो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो आर आनी चाहिए थी अगर लिखनी थी, तो इसका मतलब हमने वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लिख रखा है, लेकिन वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी चाहिए आर। ठीक है, तो इस सेंटेंस को या तो हम लिखें द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन इज दोज एनोनिमस लेटर्स, या हम इसको लिखें दोज एनोनिमस लेटर्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। ठीक है, इधर वे वी आर सेइंग द सेम थिंग, ठीक है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, यहां पे सब्जेक्ट प्राइमरी कॉज है तो इज लिख दिया, यहां पे सब्जेक्ट एनोनिमस लेटर्स है तो आर लिख दिया। ठीक है, चलो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इट वर यू होम ही ट्रस्टेड मोर देन हिज ब्रदर, ठीक है, ये जैसे हमने सेंटेंस लिखा, अब देखो यहां पे है क्या, मैं आपको बताता हूं, ये जो इट है ना ये सब्जेक्ट है, हालांकि ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वो जो डमी सब्जेक्ट्स वाला लेक्चर है उसमें मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, इसको मैं असेक फाउंडेशन में डील करूंगा आगे। ठीक है, तो ये जो इट हमने लिखा ना ये भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि देयर जो होता है और इट होता है, इन दोनों को हम सेंटेंसेज में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं। एक तो इनके फंक्शन में डिफरेंस होता है कि देयर का यूज और पर्पस के लिए किया जाता है सेंटेंसेज में, इट का यूज अलग पर्पस के लिए किया जाता है, तो एक तो जब हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं, इट को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो इनके पर्पस वेरी करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस यूज करने का अलग होता है, उसका अलग होता है, तो वो डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस इनके पार्ट ऑफ स्पीच में भी होता है, इट जो होता है ना ये प्रोनाउन होता है, इट जो वर्ड है इसकी अपनी क्लास होती है प्रोनाउन, मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होता है, देयर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो देयर को जब हम एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, उसमें नंबर नहीं होता, तो चूंकि उसमें नंबर नहीं होता तो वो वेरी मतलब एग्री नहीं कर सकता वर्ब के साथ में। देखिए होता क्या है, हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बेसिक में ये पढ़ा था, अब वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, अच्छा नंबर एंड पर्सन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, देयर इज एन एडवर्ब, एडवर्ब्स डोंट हैव नंबर एंड पर्सन, सो वर्ब कांट एग्री विद इट इन नंबर एंड पर्सन, तो देयर के साथ हम चाहें भी तो वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते क्योंकि वो कोई नाउन है प्रोनाउन नहीं, वो एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन जो इट है ना ये प्रोनाउन है, एंड इट इज अ प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें नंबर भी है सिंगुलर और इसमें पर्सन भी है थर्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है इट, तो वर्ब कैन एग्री विद इट इन नंबर एंड पर्सन, बट अ वर्ब कैन नेवर एग्री विद देयर इन नंबर एंड पर्सन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इट हमने लिखा नहीं हमारा सब्जेक्ट है, अच्छा वर्ब जो है ये बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब, तो ये जो यू है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो इट है ये सब्जेक्ट है और यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमें इट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे यूज करनी चाहिए वॉज, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग यू, यू के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो ना, सब्जेक्ट तो इट है, इट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखो, तो यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रहना है कि वर्ब हमेशा यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए हो सकता है ये हमें बोलने में ऑकवर्ड लगे, ठीक है, इट आर यू इट इज यू, तो वो अलग बात है कि तुम्हें क्या बोलने में सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, लेकिन इट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लिखना इज, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये जो हमने इट लिखा ना ये हमारा सब्जेक्ट है, यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट इट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखो, तो वर्ब आ जाएगी यहाँ पे वॉज, इट वॉज यू होम ही ट्रस्टेड मोर देन इज वर्ब। ठीक है, अच्छा अब देखो कई बार क्या होता है ना लोगों को अजीब लगता है कि इट वर यू सही लगता है कि इट वॉज यू गलत लगता है, तो मैं उनके लिए ना एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ,
ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दें। अब देखो, वो लोग जो सेंटेंस को बोलकर सही गलत पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बोलकर देख लें, बोलने में सही लग रहा है तो सही है, बोलने में गलत लग रहा है तो गलत। तो मैं उनको बताता हूँ, जब वो इट इज आई हु, इट इज एम आई, इट एम आई हु, इनमें से उन्हें डिसाइड करना होगा ना कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो वो तुरंत बताएंगे ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे हम लिखते हैं कि इट वॉज यू हु, ठीक है, और लिखते हैं इट वर यू हु, ठीक है, और इनसे पूछा जाए भाई कौन सा वाला गलत है, ठीक है, तो वो कह देंगे इट वर यू सही है और इट वॉज यू गलत है। तो ये सब बदतमीजी है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना है कि भाई अगर आप यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग वर यूज कर रहे हो, इट के अकॉर्डिंग वॉज नहीं यूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम यूज करो, इट के अकॉर्डिंग इज क्यों यूज कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बोलकर देख लेते हैं कि सही है गलत है, लेकिन वो मतलब कोई फुल प्रूफ तकनीक थोड़ी है, दैट इज नॉट अ फुल प्रूफ टेक्निक, वो तो फेलिबल है, वो कहीं भी फेल हो सकती है। ठीक है, फुल प्रूफ टेक्निक क्या है, यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट इट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करो वॉज, ठीक है, सब्जेक्ट इट है सिंगुलर है, वर्ब वर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट इट है तो इट के अकॉर्डिंग इज लिखो, ठीक है, आई सब्जेक्ट नहीं है उसके अकॉर्डिंग एम मत लिखो, ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट इधर 3-4 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, असल में इसके 2 लेक्चर तो बेसिक्स के हैं, 2 या 3 लेक्चर्स में इसके बेसिक्स कवर होंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट के, फिर 2 लेक्चर्स इसके एडवांस पॉइंट्स जो होते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट के वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो आपको वीडियोज अभी मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे असिक फाउंडेशन प्ले लिस्ट में, ये सब हमारे नया बैच जो है असिक फाउंडेशन उसके डेमोज हैं जो हम आपको अवेल करवा रहे हैं, जिससे आप समझ जाओ कि उस बैच में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक बार आप मुझसे तो आप लोग मतलब जान पहचान आपका है ही, आप मेरे बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं इस चैनल पे। ठीक है, जो हमारी टीम के 2 नए मेंबर्स हैं, सुजैन दीवान मैम और दुरानी सर, ठीक है, उनसे भी थोड़ा सा परिचित हो लो। ठीक है, दे आर वेरी गुड पीपल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। ठीक है, एक अच्छा इंसान अगर टीचिंग करेगा तो उसका इम्पैक्ट बच्चों में अच्छा जाएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक आदमी खोखला है, बहरूपिया है, भेड़िया है, ठीक है, बातें अच्छी कर रहा है लेकिन उसका लोगों पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं बहुत से, ठीक है, खुद गलत काम करते हैं, अपने चेलों को अच्छा काम करने के लिए कहते हैं लेकिन उनके चेलों पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके गुरु जी का कैरेक्टर वैसा नहीं है, वो खुद दूसरे टाइप के हैं और बातें दूसरे टाइप की कर रहे हैं, मतलब जो वो बातें कर रहे हैं वो वैसे खुद नहीं है, तो इसीलिए उनकी बातों का ना कोई इंपैक्ट नहीं होता उनके चेलों पर। ठीक है, अगर पर्सन का अपना रियल कैरेक्टर भी वही है जो वो बात कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जिन लोगों को वो समझाएगा सिखाएगा उन पे ज्यादा होगा, मतलब उसके वर्ड्स जो है ना दे विल कैरी सम इफेक्ट, उनमें इफेक्ट होगा। लेकिन अगर अपने पर्सन का कैरेक्टर सही नहीं है, बातें बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बड़े मोटिवेशन वाली बातें कर रहा है, बड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, लेकिन उसके वर्ड्स जो है ना वो इफेक्ट कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर कैरेक्टर ही नहीं है जो उसके वर्ड्स के थ्रू वो कन्वे होगा। तो मतलब खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि दुरानी सर सुजैन मैम है, दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे पर्सन है, ठीक है, भले लोग हैं, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, ठीक है, और मतलब अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, बट उनके साथ में बस ये कि उन्होंने कभी इस मतलब कैमरे पे नहीं पढ़ाया, कैमरे के सामने नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। ठीक है, मेरे कहने से, मेरे रिक्वेस्ट करने से, और मैंने उनको परसुएड किया तो मेरे कहने से वो मान गए हैं और उन्होंने इस बैच में मेरा साथ देने को मतलब तैयार हुए हैं। ठीक है, अच्छा मैं उनको क्यों चाहता था अपने साथ में, क्योंकि मैं चाहता था ना कि मैं आपको ग्रामर ना और रिफाइंड तरीके से और बेहतर तरीके से सिखाऊं, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, नए असाइनमेंट्स बनाने के लिए। कुछ तो मैंने नए असाइनमेंट्स कोरोना के टाइम में बना लिए थे, लेकिन अभी कुछ चैप्टर्स हैं उनके मुझे नए असाइनमेंट्स बनाने, अगर मैं रेगुलर पढ़ाता रहूंगा ना तो फिर मैं वो तैयार नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें क्या होगा हफ्ते में 1 या 2 क्लास वो लोग ले लिया करेंगे, बाकी 2-3 क्लास मैं ले लिया करूंगा, तो इस तरीके से आपका सिलेबस चलेगा। एंड यू रेस्ट अश्योर्ड मोर देन 50% सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उस बैच का मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे ना आप लोग जैसे मेरे यूज टू हो गए वैसे ही आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंट, मतलब यू विल गेट कॉन्फिडेंट विद दुरानी सर एंड सुजन मैम ऑल्सो। ठीक है, मैं थोड़ा सा सुजन मैम, मैं इंग्लिश में ज्यादा मतलब बात करती हूँ, एक्चुअली मैं शी इज अच्छी पढ़ी लिखी है, मतलब बात यह है कि ठीक है, तो उनको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि नहीं हमारे बच्चे जो हैं साथ में वो इतने अच्छे इंग्लिश में होते नहीं है, आप उनके लिए थोड़ा सा बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करें, एंड दुरानी सर को भी थोड़ा सा कहूंगा थोड़ा सा मतलब, तो आप जो भी उनको लेकर आपके अपने इनपुट्स है ना वो आप एक बार इस वीडियो में कमेंट में लिख दें। ठीक है, या जो मेरा नंबर है ये मतलब मेरा नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैं अपने फोन में यूज करता हूँ, 9891919
एक मिनट, 9891991959। ठीक है, तो अगर सर और मैम से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ माई टीम एंड दे विल रिमेन, ठीक है, वो मेरे इस टीम का पार्ट है और वो रहेंगे मेरे साथ में, ठीक है। और एक दो क्लास में आपको समझ में आएगा कि मैंने उनको अपने साथ में क्यों इंक्लूड किया। देखिए, मैं कभी भी किसी पर्सन को अपने साथ में तब तक पढ़ाने का मौका नहीं दे सकता जब तक मैं उस पर इतना भरोसा ना करता हूं कि अगर मुझे अपने बेटा और बेटी को पढ़ने भेजना हो मैं उसके पास भेज पाऊं। मैं अगर किसी पर्सन के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकता हूं कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आप इन्हें पढ़ाओ, तो ही मैं उसको अपने चैनल पे या अपने ऐप पे लाऊंगा कि आप मेरे साथ में खड़े होकर साइड में पढ़ाओ, ठीक है। जिन लोगों का मैं कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं पाता है, जिन लोगों की नॉलेज पे मुझे डाउट होता है, ठीक है, मैं जिनके पास अपने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, मैं उनसे किसी मतलब मैं उनके साथ में भी नहीं पढ़ा सकता खड़ा होकर, और ना उन्हें अपने साथ में पढ़ा मतलब खड़े होकर पढ़ाने दे सकता। मैं केवल उन्हीं मैं लोगों में केवल नॉलेज नहीं देखता कि आप में अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो आ जाओ। आई वॉन्ट अ गुड पर्सन, आप पहले एक अच्छे इंसान होने चाहिए, फर्स्ट यू बी अ गुड पर्सन देन यू बी अ गुड टीचर। एक अच्छा पर्सन एक अच्छा टीचर बन सकता है, और एक अच्छा पर्सन अगर टीचिंग करेगा तो बच्चों को ज्यादा मतलब फायदा होगा। तो आप उनको लेकर थोड़ा सा मतलब अगर कुछ एप्रीहेंशन है या मेरे से लगाव ज्यादा है इसलिए ऐसा आपको लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी गुड पर्सन, ठीक है। चलिए, खैर बातें बहुत हो गई। तो एडमिशंस आर ओपन फॉर असेक फाउंडेशन बैच, हमारा जो असेक लाइव एप्लीकेशन है, अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड का है वो, ठीक है, ब्लैक लोगो है उसका। असेक इंग्लिश मत करना, वो अंडर मेंटेनेंस है, वो काम नहीं करेगा। असेक लाइव एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मैं बैच स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ और भी डेमो क्लासेस अवेल करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार याद दिलवा देता हूँ, असेक फाउंडेशन बैच की फीस 5,000 है, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं एनकॉम ए से लेकर एनकॉम जे तक किसी भी बैच में एनरोल्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं वो, या फिर जो मुखर्जी नगर पे हमारे किसी भी बैच में एनरोल्ड स्टूडेंट्स रहे हैं वो, और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं अप टू द स्टैंडर्ड 12, जो 12वीं क्लास तक या उससे पहले की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए फीस इस बैच की केवल 3,000 है, ठीक है, बाकी के लिए 5,000, ठीक है। काफी टाइम हो गया, थैंक यू एवरीबडी, बाय, मीट यू सून।